हे गाइस, तो वेलकम जी, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है अजय ठाकुर और अभी जाके मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ। तो थोड़ी देर बैठ के यहाँ पे मैं ना धूप सेक रहा था, तो मैंने सोचा धूप सेकते हैं, थोड़ा हाथ पैर गर्म कर लेते हैं, तो उसके बाद चलते हैं खेत को काम करने के लिए। जो सबसे दूर वाला जो खेत था ना, वहाँ पे मैंने कटिंग करके ख़त्म कर दिया है और मम्मी पापा को ना वहाँ पे पेस्ट लगाना है और कांटे कुंटे भी उठाने वहाँ पे। उसके बाद वो वाला काम उनको रह चुका है वहाँ पे करने के लिए, तो अभी वो वहाँ पे जा चुके हैं। तो अभी जो घर के नज़दीक जो खेत है वहाँ पे कटिंग करने के लिए रहा है, तो अभी मैं जाऊँगा वहाँ पे। सो गाइस, तो आज ना 22 जनवरी है, बहुत खास दिन, क्योंकि आज ना अयोध्या में श्री राम भगवान का मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। तो बहुत खास दिन है हमारे लिए आज, बहुत लोग वहाँ पे जाएंगे, है ना। तो देखेंगे हम दिन को न्यूज़ में वहाँ पे कैसा कार्यक्रम रहता है। और वैसे तो हमने वीडियो काफ़ी देख ली थी इंस्टाग्राम पे, मंदिर काफ़ी बड़ा मंदिर है और काफ़ी अच्छा मंदिर है, और सुखद उस पर काफ़ी सारी मेहनत लगी है बहुत से लोगों की, है ना। अलग अलग जगह से क्या क्या बन के आया है उस मंदिर के लिए, ना बहुत बढ़िया मंदिर बना है। तो चलिए फिलहाल ज्यादा बात न करते हुए अभी निकलते हैं खेत को, और काफी ज्यादा टाइम भी हो चुका है। तो ये कुछ अपना घर है और ये रास्ता है। तो वहां पे मेरे को कटिंग करने के लिए जाना होगा वहां। ओके, तो मैंने कटिंग कर दी है, ये वाला सारा कटिंग कर दी है, और अभी ना यहाँ पे खेत है वहां पे जाऊंगा मैं, वहां पे छोटे छोटे पेड़ है तो उनकी कटिंग करेंगे। तो आज की मौसम की बात अगर करें तो आज का मौसम कुछ ये है, देखिए तो एकदम क्लियर आसमान है जो कि आपको दिख रहा होगा सामने, है ना। लेकिन तो डेली की यही बात है कि मतलब कि जो सामने आपको ये धुआं दिखाई दे रहा है ना, पता नहीं ये कहाँ से आता है। एक दो महीने की बात कर रहा हूँ मैं कि इन दोनों पहाड़ों में इतनी आग लगाई है ना कि दोनों साइड के पहाड़ एकदम ख़त्म कर दिए हैं, है ना। पता नहीं उसके बाद भी ये धुआं कहाँ से आ रहा है, मतलब कि लगता है कि इससे पिछली वाले पहाड़ से, इधर उधर वाले पहाड़ से ये धुआं आ रहा है। अभी भी कहीं कहीं आग जली हुई है। तो बाकी यहाँ इन पहाड़ों में तो अब क्या ही आग लगेगी, क्योंकि ये सारे पहाड़ जल चुके हैं। ये तो आपको दिखाई दे रहे होंगे, देखिए काले पहाड़ हो चुके हैं, घास तो इनमें बचा होगा नहीं, है ना। सुखे, तो मैं इतने विश्वास से कैसे बोल सकता हूँ कि यहाँ इन पहाड़ों पर आग नहीं लगी होगी, क्योंकि देखिए सुखे तो रात को ना पूरा पता लगता है कि किस पहाड़ में कहाँ पे आग लगी हुई है, क्योंकि रात को ना वो चमकती है। दिन को भी पता लगता है वहाँ पे ज़्यादा धुआं हो जाता है, लेकिन पता नहीं यार ये आग कहाँ लगी है और ये मौसम कब तक ठीक होगा। चूँकि तो एक शिमला की न्यूज़ आई थी कि शिमला में ना 2007 की 8 में ना ऐसा वाला वेदर हुआ था कि बिल्कुल भी जनवरी में बारिश नहीं आई थी, और एक ये 2024 वाला भी यही वाला सीन है। मतलब कि इस बार तो बिल्कुल भी बारिश नहीं आई, 100% बारिश नहीं आई है। तो उस टाइम 70-80% में कुछ बारिश ऐसे थी, मतलब कि 70-80% में बारिश नहीं थी, बाकी बारिश थी। इस बार ऐसा लगता है कि इस बार 100% चांसेस ये है कि जनवरी में बिल्कुल बारिश नहीं होगी, क्योंकि आजकल ना बहुत बारिश, मतलब कि आजकल बारिश होती थी और बर्फ़ बहुत पड़ती थी। चलिए तो देखिए हमारे घर के पीछे भी ना एकदम सूखा पहाड़ है, यहाँ पे किसी ने अगर आग लगा दी ना तो ये वाली आग नहीं रुकने वाली है, क्योंकि बुझने वाली नहीं है। एक दिन ना यहाँ पे आग लगाई थी इन्होंने, तो ये ना यहाँ तक पहुँच गई, ऊपर ना रास्ता है तो इस वजह से रुक गई, और यहाँ हो गई घास काटा भी है ना, तो इसीलिए ये रुक चुकी थी। और साथ में खुद ये लोग बुझाने वाले भी थे तो इन्होंने बुझा दी थी, है ना। कहीं ये वाला घास देगी, वहाँ ऊपर आपको घास दिखाई दे रहा होगा, इन्हें एकदम लंबा लंबा घास है, एकदम सूखा हुआ घास है, इसमें अगर एक बार आग लग गई तो लग गई, है ना। सो गाइस, तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं खेत को और करते हैं थोड़ा काम, है ना। तो काम करते करते आपसे मिलेंगे। तो अभी ना मेरे को इस खेत को जाने के लिए यहाँ होके चढ़ना होगा, परे से भी रास्ता, लेकिन परे से दूर पड़ता है तो यहाँ से चढ़ेंगे हम, थोड़ा सा मुश्किल होता है लेकिन चढ़ ही जाते हैं यहाँ से। सके तो लीजिए फिलहाल अभी पहुँच चुके हैं खेत में, तो ये रहे सामने छोटे छोटे से पेड़, थोड़ी सी कटिंग मैंने यहाँ पे कर भी ली है, और ये है नीचे अपना घर, है ना, ये मेरे अंकल का घर। देखिए मैंने स्टार्ट किया था यहाँ से कटिंग करना और यहाँ होके अब लास्ट में रह चुका है ये वाले छोटे छोटे पेड़। वैसे तो मम्मी पापा की बात करें ना, वो वहाँ पे है कुछ इस वाले एरिया में, है ना, यहाँ पे हमारा सबसे दूर वाला खेत है।
बाकी कुछ ये वाला व्यू है यहाँ का, है ना, एकदम मस्त, एकदम सूखा सूखा और बीच में रास्ता, रास्ता एकदम मस्त है, एकदम खुला रास्ता है। पहाड़ों में ना सबसे इम्पोर्टेंट होता है रास्ता होना, तो अगर पहाड़ों पे रास्ता नहीं है तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होती है, जो कि हाइट हाइट वाले जो भी गांव हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो क्योंकि वहाँ पे सामान पहुँचाना मुश्किल होता है, घोड़े पे पहुँचाना पड़ता है, उठा के करना पड़ता है। हमारा तो एकदम मस्त है, सामने रास्ता है, ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है ही नहीं, रास्ता होना सबसे इम्पोर्टेंट है। ये देखिए, ये जो ट्रक था ना इसमें गया गोबर, मतलब कि बहुत से लोग गोबर भी मंगा रहे हैं। सो गाइस, तो अपने को भी इस बार लगता है कि कम अगर गोबर होगा तो हमें भी गोबर मंगाना पड़ेगा, है ना, कम होगा अगर, मतलब कि पेड़ बहुत है, गोबर कम हो सकता है, तो इसीलिए हमें भी खरीदना पड़ेगा गोबर। और मैं रास्ते की बात कर रहा था कि रास्ता कितना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि तो हमारे तो घर के पीछे ही रास्ता है। और दूसरी बात, अगर मैं आपको एयरपोर्ट दिखाऊं तो हल्का से दिखा सकता है, एरिया बता सकता हूं मैं, यह है भुंतर एयरपोर्ट, क्योंकि तो मेरे घर से करीबन 7-8 किलोमीटर दूर है। क्योंकि तो चलिए कटिंग करना स्टार्ट करते हैं, नहीं तो पूरे दिन भर ही मैं आपसे बातें करने लग जाऊंगा। चलिए थोड़ी देर कटिंग करते हैं और मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, है ना, थोड़ा सा काम भी करते हैं यार, है ना। एक चीज लगाना तो मैं भूल ही गया भाई, हैं, ग्लव्स लगाना मैं भूल ही गया। ये रहे कुछ ग्लव्स, एकदम देखिए ये भी फट चुके हैं भाई, इतना काम हो रहा है यहाँ पे। तो भूल जाते हैं ग्लव्स लाना मार्केट जाके, है ना, क्योंकि तो अब ना अगर मार्केट जाएंगे तो याद से लाना पड़ेगा ग्लव्स को, क्योंकि ये ना ये तो फट चुके हैं भाई, है ना। तो एक तो इन पेड़ों में बहुत कांटे होते हैं, अगर किसी के चुभ जाए ना भाई साहब, हालत खराब। चलिए बहुत गप्पे शप्पे हो गए आपके साथ, तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो चलिए अभी ना रेस्ट करने का टाइम हो चुका है, तो अभी तक मैं कटिंग कर रहा था, तो कटिंग मैंने बहुत से पेड़ों की कर दी है। बिना चलते हैं घर को और थोड़ा सा ना काटते हैं गाय को घास, हरा घास, सूखा घास तो हो चुका है बहुत, जो कि आपको सामने दिख रहा होगा एक पेड़, तो इससे हम अभी काटेंगे हरा घास, है ना, गाय को खाने के लिए पानी के साथ, है ना, पानी पी के हरा घास देते हैं गाय को। ये देखिए इस पेड़ से ना मैं हरा घास काटूंगा, इसको हम बोलते हैं बॉन, बॉन का पेड़ है ये, इनसे ये घास काटे तो इनमें और लग जाते हैं ऐसे के ऐसे ही। तो अभी तक ना मैं वहाँ पे कटिंग कर रहा था उस वाले खेत में, तो सामने अपना घर, तो चलिए जल्दी से यहाँ पे घास काटते हैं, थोड़ा सा काटेंगे और ले जाएंगे नीचे। देखिए नीचे है गाय का घर, मतलब खुड जिसको हम बोलते हैं, और ये कुछ व्यू। चलिए थोड़ा सा मैंने यहाँ पे घास काट लिया है, इसके बाद अभी ये गाय तक पहुँचाना है और उसको देना है खाने के लिए। सुगज, तो चलिए अभी मैंने घास यहाँ पे पहुँचा दिया है, सुगज तो थोड़ी देर के बाद ना गाय को पहले पानी पिलाएंगे और उसके बाद देंगे ये हरा घास खाने के लिए। फिलहाल अभी उसको थोड़ा सा सूखा घास देते हैं, अभी टाइम नहीं हुआ पानी पिलाने का, तो थोड़ी देर के बाद पानी पिलाएंगे, पहले घर को चलेंगे खाना खाएंगे और उसके बाद इसको पानी पिलाएंगे। सुगज तो देखिए सूखा घास ना हम इन टूके से निकालते हैं, इनको बोलते हैं हम टूके, जो घास के ढेर होते हैं। अभी ना हमने गाय नीचे बिठा रखी है, क्योंकि थक जाती है ना ज़्यादा खड़ी रहेगी तो शाम को थोड़ी देर फिर से उठाएंगे इसको, है ना। चलो ठीक है, इसको लाते हैं अभी सूखा घास थोड़ा सा। लीजिए थोड़ा सा घास,
हमने गाय के लिए निकाल दिया है यहाँ पे। वैसे तो थक गया मैं इस घास को निकालते निकालते, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टाइट है भैया ना, हाथ से निकालेंगे ना सुबह तो हाथ से निकालेंगे ना नहीं निकलेगा। देखिए घास निकालते निकालते ना मेरी भी काफ़ी ज़्यादा घास फंस चुका है मेरे भी, और धूड़ भी। मैं इतना आपको क्यों बता रहा हूँ कि भाई गाय घास खा रही है, हमने इसको घास दिया क्योंकि भाई कुछ दिन पहले ना ये बिल्कुल भी घास नहीं खा रही थी, है ना, बहुत ज़्यादा टेंशन हो रही थी, है ना, घास नहीं खा रही थी और इस वजह से इसको काफ़ी ज़्यादा कमजोरी भी आ चुकी थी और उठ भी नहीं पा रही है। अभी तक वैसा है इसका, जितना ज़्यादा ये घास खाएगी ना उतना अच्छा रहेगा, तो उतनी जल्दी ये अपने पैरों पे खड़ी हो पाएगी। सुगेत तो चलिए जी, अभी ना शाम का टाइम हो रहा है और अभी तक मैं रेस्ट कर रहा था यहाँ पे, और अभी जाना पड़ेगा फिर से खेत को, और अभी ना शाम का टाइम हो चुका है, एक दो घंटे के बाद ना सनसेट हो जाएगा और अंधेरा हो जाएगा, तब तक हम चलते हैं काम करते हैं खेत में, थोड़ा सा थोड़ा बहुत काम होगा अभी और बाकी फिर आएंगे घर को। घर में सारा काम हो चुका है, गाय को हमने पानी भी पिला दिया था और घास भी दे दिया था। तो शाम का टाइम है तो अभी ना मौसम भी ऐसा लग रहा है कि सारे में बादल ही बादल हो चुके हैं, है ना, तो धूप भी हल्की हो चुकी है और ठंडी ठंडी हवा भी चल रही है। जल्दी से पहुंचते हैं ऊपर खेत में और थोड़ा बहुत काम करते हैं, फिलहाल भी तगड़ी वाली हवा चल रही है यहाँ पे। सगे तो चलिए जी, सनसेट हो चुका है अभी और शाम का टाइम हो चुका है, तो अभी तक मैं कर रहा हूँ कटिंग। सगे तो आज कटिंग भी बहुत कर ली है, तो कटिंग करते करते ना थक चुके हैं, तो अभी चलते हैं घर को, है ना, एक आधा पेड़ की कटिंग मैं और करूँगा और उसके बाद चलेंगे घर को, है ना। फोन का स्टोरेज भी एकदम फुल हो चुका है तो ब्लॉग को इतना ही रखते हैं। तो चलिए सुगे, तो चलिए अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टेक केयर एंड बाय बाय।